आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले ये रंग बिरंगे रेशमी कपड़े और इनकी अद्भुत बनावट, जिनको पहनकर मखमली एहसास होता है, जिनका अलग ही अंदाज होता है, चाहे वो रेशम का रुमाल हो या रेशम की शॉल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत कपड़े बनते कैसे हैं और इन्हें बनने में कितना वक्त लगता है? आखिर कैसे रेशम के एक धागे से ऐसी अद्भुत कलाकारी होती है? कैसे कीड़े से निकली चीज इंसानी दुनिया में इतनी चमक बिखेर देती है? आखिर कैसे एक कीड़े से कपड़ों की नींव रखी जाती है? इसकी शुरुआत कहां से होती है और अंतिम रूप कहां मिलता है? ये सब जानने के लिए हमारी खोज शुरू हुई देश की राजधानी दिल्ली से और उस राज्य में पहुंची जो अपनी सदाबहार फैब्रिक के लिए विश्व भर में मशहूर है, जो दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर है, यानी छत्तीसगढ़, जहां एक तरफ नक्सली आतंक का खौफ पसरा रहता है तो दूसरी तरफ काफी पुरानी आदिवासी कला नजर आती है। लेकिन अपनी कला और संस्कृति के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ की पहचान अब पूरी दुनिया में क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स के नाम से होती है, जहां घर घर में दुनिया का सबसे बेहतरीन सिल्क तैयार होता है, जहां एक खास समुदाय की मेहनत और उनके हुनर के बलबूते छत्तीसगढ़ की छाप सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में छत्तीसगढ़ की कलाकारी का स्वागत दिल खोल कर किया गया है। और इसकी वजह है एक ऐसा खास रेशम जिसके धागे से देश और दुनिया के दिल के तार जुड़ते हैं, जिसकी खासियत उसके रंग है, जो सिल्क पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसी कोसा सिल्क की बनावट इन्हीं घरों में होती है। तो अपने जंगलों के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ के दिल के तार एक धागे की बदौलत फैशन वर्ल्ड पेरिस से जुड़ते हैं। जी हाँ, ऐसा देश है मेरा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और आज हम आपको उस पहचान से मुखातिब कराने वाले हैं जो सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की पहचान बन चुकी है और जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया कहने को मजबूर है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो उस पहचान की शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरीके से वो अपना अंतिम रूप लेता है, आज इस खास पेशकश में आपको बताएंगे। यूं तो भारत में चार तरह के सिल्क पाए जाते हैं लेकिन कोसा को दुनिया के सबसे अच्छे सिल्क में शुमार किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा सिल्क है जिसके बने कपड़ों की चमक हर तरफ देखी जाती है। इसकी शुद्धता और मुलायम होने के कारण ये डिजाइनरों की खास पसंद बना हुआ है। लेकिन कोसा सिल्क की पैदावार से लेकर इससे कपड़े बनाने तक की प्रक्रिया बेहद जटिल है। फिर भी छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में एक खास समुदाय की कई पीढ़ियां इस काम को करती आ रही हैं। इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हमारी टीम भी जांजगीर चांपा जिले में पहुंची, जिसे अब कोसा नगरी भी कहा जाता है, जहां घर घर से मशीनों की खटपट और पतले धागों की सरसराहट सुनाई देती है। तो यहाँ बच्चे बुजुर्ग समेत पूरा परिवार एकजुट होकर पूरी लगन से एक ही काम करता नजर आता है। अच्छा। लेकिन इस गांव को देखने से लगता है जैसे ये गांव आज भी विकास की आस लगाए बैठा है, जहां कुछ मकान पक्के हैं तो कुछ कच्चे, जहां टूटी सड़कें आज भी मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। लेकिन यहां से शुरू हुआ टसर कोसा का सफर फैशन सिटी पेरिस जैसे कई बड़े शहरों के फैशन शो में जाकर पूरा होता है। चापा की गलियों से होकर जब आप गुजरते हैं तो लगभग हर घर से आपको एक आवाज आती है और ये आवाज होती है हथकरघा के चलने की। और इन्हीं खटर खटर की आवाज के बीच वो धागे बुने जाते हैं जो तैयार करते हैं कोसे से बनी साड़ी, कोसे से बने हुए कुर्ते या और भी दूसरे तमाम उत्पाद। लेकिन इस जब इलाके में आप आएंगे तब एक चीज आप भी देखेंगे कि यहाँ पर एक खास समाज जो है दिवांगन समाज जिसे कहते हैं, उस समाज के तकरीबन हर परिवार में ये काम होता है और हर परिवार के भीतर हर सदस्य का काम अलग अलग बटा हुआ है। कोई धागे को इकट्ठा करता है, कोई उसे चरखे पर बुनता हुआ आपको नजर आएगा, तो कोई हथकरघा पर उसे आखिरी टच देता हुआ नजर आएगा, उसे अपने मुकाम पर पहुंचाता नजर आएगा और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आज इसी काम से आपको भी रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर ये कितना मुश्किल है, जो कोसा हम देखते हैं वो कैसे तैयार होता है। यहाँ के लोग अपने दिन की शुरुआत इसी कला में
मग्न होकर करते हैं और रेशम के धागे जैसी मजबूती के साथ सुबह से शाम तक सब्र और बारीकी के इस काम को अंजाम देते हैं। चापा का देवांगन समुदाय इस अद्भुत कलाकारी की शुरुआत और उसे अंतिम रूप यही देता है, यानी कोसा निकालने से कपड़े बनाने तक का सारा काम पूरे देश में सिर्फ चापा में होता है। एक कीड़े से रेशम का धागा और फिर धागे से ऐसे खूबसूरत कपड़े बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। काफी मुश्किलों और बेजोड़ मेहनत के बाद कोसा सिल्क के कपड़े में जान पड़ती है। कोसा सिल्क से कपड़े के सफर में 6 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले रेशम कीट से कोसा सिल्क निकाला जाता है, उसके बाद कताई होती है, कताई के बाद कोसा धागे से रील भरी जाती है, फिर हथकरघा से बुनाई की जाती है, इसके बाद बुने हुए धागे को रंगा जाता है, आखिरी में उस कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है। ये सारे काम कैसे होते हैं, कितना वक्त लगता है, इस पूरे प्रक्रिया की न्यू स्टेट की टीम ने जानकारी ली, जिसका सफर शुरू होता है यहाँ से। टसर कोसा से कपड़ा बनाने के सफर में सबसे पहला पड़ाव रेशम कीट के कोकून से रेशमी धागा निकालना होता है। एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले एक खास तरह की तितलियों के अंडे से सिल्क वॉर्म कीट निकलता है। वो बड़ा होता है, कैटरपिलर का रूप ले लेता है और अपने लिए कोश बनाकर उसके भीतर हो जाते हैं, जिसे कोया कहते हैं। कोश के अंदर ही वो अपना सिर इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर अपनी हिलार का एक होल बना देता है, जिसे कोकून कहते हैं। इस कोकून का या तो अर्जुन साजा जैसे पेड़ों से कोकून इकट्ठा किया जाता है, या फिर सेरिकल्चर विभाग की तरफ से कोसा इकट्ठा करके बुनकरों को उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से अच्छे कोकूनों को चुनकर उन्हें 70 से 90 डिग्री के तापमान पर उबारा जाता है, जिससे रेशम कीड़ा अंदर मर जाता है और ऊपर से रेशमी धागा निकाल लिया जाता है। ऐसे ही करीब 15 कोकून उबालकर 1 ग्राम रेशम निकलता है। कोसा प्रकार दो ही रहते हैं, जो फल का नाम है अलग अलग, एक डाबा कोसा होता है और इसी प्रकार से एक फल छोटा वाला भी आता है, तो ये दोनों फल से कोसा फल निकाला जाता है। कोसा फल को हम लोग क्या है, जो कतिन रहती हैं महिलाएं, उनको हम लोग देते हैं, उस कोसे फल को बॉइल्ड वाटर करते हैं और उसमें से उसमें के धागे निकालते हैं, जो आप लोगों ने वहाँ देखा है। वो धागा निकलने के बाद में वो धागा हमको जब देते हैं तो हम उस धागा को बुनकरों को देते हैं और बुनकर उसको पूरा हमको बना के हम लोगों को देता है। जो भी डिजाइन बोले, शर्टिंग का है, साड़ी का, वो डिजाइन हम लोग देते हैं। डिजाइन देखने के बाद फिर वो हम लोगों को ला के देते हैं, उसको फिर हम लोग ये धुलाई वाले के यहाँ देते हैं, ये उनको पूरा धो के फिनिशिंग करके हम लोगों को ला के वो। अभी चापा में तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी 50% पॉपुलेशन जो है कोसे का काम कर रहे हैं, और इसके बाद आपके इन आसपास के जो गांव हैं वहाँ भी बहुत सारे लोग, देवांगन लोग हैं जो इसका काम करते हैं। जी हाँ, उसका ये है कि यहाँ के जो कारीगर हैं बुनकर, वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग करते हैं, उसकी जो ठोकाई जो करते हैं हाथ से, उसको बहुत अच्छी ठोकाई करते हैं, इसलिए गफ बनता है और बहुत अच्छा उसकी फिनिशिंग आती है। हाँ, निकाला जा सकता है जब वो बिना बगैर धुलाई का, उसका एक अलग से धुलाई होता है जो बहुत ही माइल्ड हो जाता है वो कपड़ा, वो भी हम लोग जैसे ऑर्डर पे आता है तो उसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं। उसमें कहना है कि स्टार्च नल मत लगाइए और उसको माइल्ड कीजिए, तो माइल्ड जब करते हैं ना तो वो जो है अंगूठी से निकल जाता है। इसका कारण एक्चुअली ये है कि बुनकर तो बहुत हैं और हमारे खादी जगत में 8-9 हज़ार बुनकर लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उनको टोटल काम अभी 2-4-5 हज़ार और हैं, लेकिन उनको काम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हम मार्केटिंग हमको प्रॉपर मिल नहीं रहा है। हम प्रोडक्शन कराने को तैयार हैं और कारीगरों को हम, मतलब कहना चाहिए, रोज़गार देने को तैयार हैं, शासन के तरफ से कुछ उसमें फ़ायदा मिले ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन, जैसे अभी दिल्ली में जा रहा है और भी कहीं जा रहा है, क्या भुगतान कम होने के कारण में उत्पादन भी हमारा कम हो जाता है। यदि भुगतान प्रॉपर होते रहे तो हम कारीगरों को और ज़्यादा काम दे सकते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो मार्केटिंग अभी कम हो गया इस साल, पता नहीं क्यों, यानी हमको ऑर्डर भी कम मिला और पेमेंट भी कम मिल रहा है, इस हिसाब से क्या है, उत्पादन हमारा इस वर्ष जो है कम हो गया। तो आपको क्या लगता है, कैसे ये बढ़ सकता है, क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को इसके बारे में? क्या है कि केंद्र शासन सोच रही है, इसके बारे में प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, पूरा ऑल इंडिया से गया है कि इसमें मार्केटिंग का क्या मतलब उसका तरीका हो,
लेकिन वो पूरा टोटल मार्केटिंग का हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि खादी संस्थाएं जो हैं ये उनके ऊपर है, ये जिनको भी माल दें लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये उनका कहना है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार हैं, नानी कह रहे हैं, लेकिन सवाल उसकी मार्केटिंग कहाँ है, कहाँ दें हम, कैसे दें। जिनको दिए हैं आज तक उनका पेमेंट भुगतान भी नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो ज़्यादा उत्पादन करना भी हम लोग को संस्था के लिए ठीक नहीं है। ये हमारा चांपा का कोसा देखिए दिल्ली जाता है खादी भवन में, अरनाकुलम जाता है, बेंगलोर जाता है, बॉम्बे जाता है, कलकत्ता जाता है और लखनऊ जाता है। हाँ, फॉरेन में या फॉरेन का एक अलग पार्टी है वहाँ दिल्ली में, यही के हैं वो यहाँ का प्रोडक्शन लेते हैं। तो वहाँ मैक्सिमम हमने देखा है कि आपका दुपट्टा वगैरह बहुत जाता है फॉरेन, और साड़ियाँ बहुत सिंपल जाती है, एकदम सिंपल, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं रहता, तो जाती है फॉरेन अगर, लेकिन फॉरेन में भी अभी कम है, दुपट्टे ज्यादा जा रहे हैं। कताई, कई सौ साल पुरानी परंपरा, एक ऐसा रिवाज जो सिर्फ यहाँ की महिलाएं करती हैं। भले ही आज दुनिया आधुनिक हो गई हो, मशीनों की जरूरतें बढ़ गई हो, लेकिन यहाँ आज भी धागे की कताई विमेन की थाई पर होती है, जो यहाँ की प्रथा है, यहाँ का ट्रेडिशन है। ये जो कोसा फल है ये कैसे एक धागे का रूप लेता है, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक माता जी हैं जो बेहद पुराने तरीके से धागा निकालते हुए नजर आ रही है, पूरे प्रोसेस को उनसे ही समझते हैं। ये क्या है अम्मा, इला बता दे, पावे थे कला कोसा ला? कोसा फल है ना, इसको क्या करते हैं इला, क्या करते हैं? धागा निकाला था कोसा फल ले। अच्छा, कोसा फल को पहले गीला करते हैं? हाँ, उबाले पड़ते सोडा से। अच्छा, उबाल के फिर धागा निकाले लगो पड़ा थे। तो कितने देर में कितना धागा निकलता है, जैसे आप कर रही हैं कितने देर से कर रही हैं जो इतना आपके पास धागा आया है? एक घंटा में 25 फल। एक घंटा में 25 फल, और एक फल से कितना निकलता होगा? एक ग्राम। अच्छा, एक चीज बताइए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये आप इससे फल निकाल रही हैं, उसके बाद बाजू में जो है वो क्या है, वो काला काला ओकर अंदर के कीड़ा है कोसा फल के। यानी यही वो कैटरपिलर है जो इस फल को बुनता है अपनी लार से और पत्तियों के सहारे। ये महिला 40 साल से इसी काम को कर रही है, जिससे कई बार इनको स्क्रीन प्रॉब्लम भी हो जाती है। इस काम को करते वक्त हवा को दूर रखना इनकी मजबूरी बन जाती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या ठंड। एक तप की तरह काम करते हुए कारीगर एक घंटे में 25 ग्राम धागा निकाल पाते हैं। कताई के बाद एक चरखे से कोसा धागा रील में भरा जाता है। तो एक चरखे की दम की बदौलत अंग्रेज हिंदुस्तान से भाग खड़े हुए थे, और अब उसी चरखे की बदौलत हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बन रही है पूरी दुनिया में, और छत्तीसगढ़ ये पहचान हिंदुस्तान को दिला रहा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक कीड़े से, या यूं कहिए कि कोसे के फल से, पूरे धागे को निकाला जाता है, और उसके बाद जो चरण है वो क्या है, वो इस चरखे से होकर गुजरता है, उसके बारे में ही जानते हैं। ये जो आप कर रहे हैं इसे आप लोग क्या कहते हैं? धागा भरना बोलते हैं। धागा भरना, यानी जो धागा निकला था उसे आप इस रील में भर रहे हैं? भरते हैं, फिर वहाँ से वहाँ कपड़ा में ये होता है। अच्छा। कपड़ा बनता है। अब ये कितना टाइम लेता है जब आप इस रील में भरते हैं इस धागे को, तो इसमें कितना वक्त? 5 मिनट लगता है। कोसा धागे को रील में भरना भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद उस धागे को बुनाई के लिए दिया जाता है, और कारीगर को कपड़े की डिजाइन बता दी जाती है। यहाँ कपड़ा लगभग तैयार हो जाता है। इस बारीकी के काम को पूरे ध्यान और सूझबूझ के साथ किया जाता है। बुनकर बड़े ही समझदारी से इस काम को करते हैं, और बुनकरों को उनकी काबिलियत की बदौलत सरकार से सम्मानित भी किया जाता है। उन्हीं में से एक बुनकर हैं देवेश। आजादी के पहले खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पंक्तियां ऐसे ही नहीं कह दी हैं। आपको भी मालूम है कि एक क्रांति सिर्फ और सिर्फ खादी से जुड़ी हुई है। एक जनक के तौर पर खादी को देखा गया, लेकिन आज वही खादी हिंदुस्तान को एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम दे रही है। और इस वक्त ये मेडल आप देख रहे हैं, ये मेडल मेरा नहीं है, लेकिन ये मेडल जिस शख्स ने जीता है वो हमारे साथ मौजूद है, और क्यों जीता है ये उनसे ही जानते हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपको भारत सरकार की तरफ से
ये मेडल क्यों दिया गया था, ये सम्मान क्यों दिया गया था? बेस्ट बुनकार पुरस्कार दिया गया था अपने इस कोसे की साड़ियों के लिए जो काम करते हैं उसके लिए। जी, कब की बात है? 2015 का है। अच्छा, 2015 का है। मुझे ये बात बताइए कि दिन भर में आप कितनी साड़ियाँ बना लेते हैं या कितने मीटर कपड़े आप यहाँ पर तैयार कर लेते हैं कोसे के? ऐसे प्लेन वाला एक साड़ी बन जाता है दिन भर में, और डिजाइन जैसा रहता है वैसे टाइम लगता है। जैसा जैसा डिजाइन रहता है साड़ी में वैसे वैसे टाइम लग जाता है। बुनाई के बाद बारी आती है बने हुए कपड़े में रंग भरने की। हथकरघा से बुनाई के बाद वो कपड़ा कारखानों में रंगाई के लिए भेजा जाता है। इसके बाद धागे में रंग लगाया जाता है। उन्हीं रंग बिरंगे मखमली कपड़ों से हमारी जिंदगी में रंग भर जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोसे का कपड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन जब वो हथकरघा से निकलता है या उस मशीन से निकलता है जहां पर उसको आकार दिया जाता है, उसके बाद बारी आती है उसके रंग रूप की। तो जिस कारखाने में हम खड़े हैं, इस कारखाने में उसे रंग दिया जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है। छपाई में केमिकल जो लगता है, वहां का कलर भी लगता है छपाई में, तो छपाई का कलर अलग आता है और डाई का कलर अलग आता है, दोनों का रंग अलग अलग। वो एक दिन में दो साड़ी निकलेगा और उसको फिर स्टीम के लिए, जैसा 20 साड़ी 25 साड़ी हो गया तो उसको स्टीम देते हैं हम लोग। स्टीम देने के बाद में फिर उसको धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद में उसको फिर मशीन में लगाते हैं। मशीन में लगा एकदम फिनिशिंग करके देते हैं, तैयारी करके जो मार्केट में जाता है वो। कारखाने में कपड़ा रंग कर तैयार होता है। सूखने के बाद धागे को लपेट कर एक गड्डी बनाई जाती है, जिसके बाद इस धागे से साड़ियों को तैयार किया जाता है। मशीन प्रिंटिंग कोसा सिल्क से तैयार हुए कपड़े की आखिरी प्रक्रिया है। डिमांड के हिसाब से कपड़े पर छपाई की जाती है। उसके बाद देश और दुनिया के बाजारों में इसकी सप्लाई होती है। यहाँ से कपड़े अपनी चमक, बेहतरीन रंग और नाफिसियत के चलते लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। इसी तरह इन्हीं रेशम के धागे की बदौलत छत्तीसगढ़ राज्य के तार देश और दुनिया के अलग अलग शहरों से जुड़ जाते हैं। इसी रेशम की डोर के बाजारों में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कभी रेशम के मुलायम डोर बहन के हाथों, भाई की कलाई पर नजर आती है, तो कभी साड़ी की शक्ल में और पिलो कवर बनकर घर की शानो शौकत बढ़ाती है। और ये वही रेशम है जो छत्तीसगढ़ के चापा गाँव के घरों का चूल्हा जलाती है, उन्हें दो वक्त की रोटी मुहैया कराती है। और यही रेशम एक खूबसूरत लिबास का रूप लेने से पहले इन महिलाओं के शरीर पर बदरंग निशान बनाती है। तमाम कठिनाइयों के बाद भी ये रेशम इंसानी दुनिया में चमक बिखेर जाती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि रेशम से बने इन कपड़ों के लिए एक एक धागा अलग निकाला जाता है। कताई से लेकर बुनाई तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कपड़े को मनचाहा रूप दिया जाता है। हमारी खास पेशकश जारी है, आगे आपको बताएंगे कोसा सिल्क का विदेशी कनेक्शन।